गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फ्यूचर में सेल करेंगे, आज फ्यूचर देखेंगे चार लॉट से यानी 100 क्वांटिटी। तो अभी वजह है 10:40 और आज हम बैंक निफ्टी में सेल करेंगे, फ्यूचर में सेल। तो प्लीज़ चार लॉट सेल कीजिए 100 क्वांटिटी और देखेंगे ये 100 क्वांटिटी पे हम कितना हमें मुनाफा मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। और फ्यूचर इसलिए कि वो सेफ़ होता है क्योंकि अभी का आप फ्यूचर देखोगे तो फ्यूचर की एक्सपायरी मंथली हमें मिलेगी, यानी मंथली कोई टेंशन नहीं रहेगा। और मंथली क्या होता है कि ऑप्शन में हम जब एक्सपायरी लेते हैं, हफ्ते की हो, दो हफ्ते की हो, मंथली हो, तो उसमें कैसा होता है, प्रीमियम डीके होता है। क्यों डीके होता है, उसमें टाइम वैल्यू आती है। लेकिन फ्यूचर में तो ऐसी कोई टाइम वैल्यू आती नहीं है, प्रीमियम डीके होता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर ये कोई एक फ्यूचर मेन जो अपना बैंक का इंडेक्स होता है उस पर आधार पर होता है। इसके लिए अभी देखिए, अभी हमने प्रॉपरली हमने किया है, अभी हमने ठीक है। अभी देखिए 182 का प्रॉफिट भी दिखने लगा हमें, 100 क्वांटिटी हमने ली है तो 40 यहाँ पे लॉस प्रॉफिट ही दिखता ही रहेगा। लेकिन हमें टारगेट क्या है हमारा, उस टारगेट पे हम लोग देखेंगे कि टारगेट पे यानी हमने टारगेट इधर रखा है 5 to 10,000 rupees आ जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर एक का 2% हमें लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने मंथली एक्सपायरी ली है और आपको मुझे ट्रेड ये 5-10 मिनट में क्लोज करना है। तो 5-10 मिनट में अगर 5,000 से 10,000 भी आता है तो हम लोग ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो अभी देखेंगे क्या होता है। और उससे पहले मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। जैसे कि मैं ऑप्शन आपको मालूम है सिखाता हूँ, तो ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, वैसे फ्यूचर में बाय और सेल होता है, बराबर है। ऑप्शन के फायदे क्या है कि आपको कम प्राइस में वो लॉट मिलेगा और फ्यूचर में आपको एक लॉट के लिए 1 से 1.5 लाख रुपीस लगता है पर लॉट के लिए। तो ये होता है कि ज़्यादा पैसा फ्यूचर में लगता है, लेकिन फ्यूचर में अगर ज़्यादा पैसा लगेगा तो भी फ्यूचर सेफ होता है। देखिए अभी 837 प्रॉफिट होकर 287 पे आ गया, 892 आया प्रॉफिट, अभी 1,500 अभी प्रॉफिट आया, इतना सेफ होता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में हमें 50-50 चांसेस मिलते हैं तो फ्यूचर में हमारे चांसेस 80% विन के बढ़ जाते हैं। ऐसा है, देखिए अभी देखिए 1,000 rupees तो हमें 1-2 मिनट भी नहीं हुआ है और 1,000 rupees हमें दिखने लगे हैं, बराबर है। 2 मिनट में देखो 1,000 के ऊपर मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैंने टारगेट 5,000 तक रखा है, अगर 5,000 तक आएगा तो निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा है। अगर देखो 2-5 मिनट में हमें 2 मिनट में भी 1,200 rupees दिख रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। ऐसे तो फिर भी फ्यूचर एक सेफ ट्रेडिंग है अगर देखा जाए तो। उसके 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, टाइम डीके नहीं होगा, जैसे ऑप्शन में प्रीमियम कम होता है, यहाँ पे कोई प्रीमियम वीमियम वाली चीज़ नहीं है, बराबर है, तो वो चीज़ ध्यान में रखिए आप। और दूसरी चीज़ ये है कि मंथली एक्सपायरी रहती है फ्यूचर में, तो हमें मंथ मिलता है हमारा टारगेट हासिल करने के लिए। सिर्फ आपको एक काम करना है कि अपने परसेंटेज या अपना प्रॉफिट आपको डिसाइड करना है। और तीसरी जो मेन चीज़, जो फ्यूचर है वो काम करता है मेन इंडेक्स पे, जैसे मेन इंडेक्स बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगी वैसे फ्यूचर भी ऊपर नीचे होगा। अभी देखिए 1,700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना मिनट हुआ, मैंने ट्रेड लिया था 10:40 to 41 में और अभी 1,700 रुपये मुझे दिखाई दिया, अभी 1,200 रुपये चल रहा है, 1,400 रुपये चल रहा है, तो 2 मिनट में इतना अच्छा हमें ट्रेड मिल गया है। तो जैसे ही ये टारगेट हमारा मिल जाएगा हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह से लाइव ट्रेडिंग मैं लोगों के सामने दिखाता हूँ, जो भी क्लाइंट बैठेंगे, स्टूडेंट बैठेंगे, जिसे भी सीखना है वो लाइव मेरे यहाँ के सीख सकता है। क्योंकि अगर लाइव सीखेंगे तो ही आप ट्रेड में सक्सेस पा सकते हो, क्योंकि लाइव में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, बराबर है। तो उसके लिए लाइव प्रैक्टिकल के साथ सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे टारगेट मुझे 1,500-2,000 दिख रहा है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं सक्सेस हुआ कि नहीं। आप खाली देख के रखिए कि ये ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी 25 जान 23 का ये एक फ्यूचर है, 25 जान की एक्सपायरी है, हमने लगभग 100 क्वांटिटी ली है और हमारा टारगेट मिनिमम 5 to 10,000 है। अभी 11:22 हुए और हम ट्रेड देखते हैं ट्रेड का क्या हुआ प्लीज़। और 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 3,300 तक। और मैंने आपको बोला था कि 5,000 मिलेगा, 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी में 5,000 मिलेगा, बहुत हो गया। तो देखते हैं कि
5000 का टारगेट आता है कि नहीं। देखिए क्या होता है कि हम परसेंटेज से सोचते हैं तो हमें कोई भी प्रॉफिट कम नहीं लगता, ज़्यादा ही लगता है। जैसे कि अगर 5000 में हमने कैलकुलेट किया तो 1.5 से 2% होता है, तो हमें ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन हमने अगर 5000 पकड़ा तो हमें कम लगेगा। इसलिए कभी भी काम करेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से, यानी महीने के अगर आपको 5% भी प्रॉफिट मिलता बहुत है, 10% भी मिलता है बहुत है, तो आप परसेंटेज से देखिए। और यहाँ तो दिन का 1.5 से 2% ज़्यादा ही मिलेगा। अभी देखिए 3300 दिख रहा है। और मैं आपको ऐसे छोटे छोटे से स्टार्ट करूँगा और छोटे से ट्रेड करके, छोटे से प्रॉफिट करके, मैं वही प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक लेके जाऊँगा। कि कैसे करके, जैसे मैंने अभी 100 क्वांटिटी से स्टार्ट किया, वैसे हम लोग 1000 क्वांटिटी, 2000, 5000 तक लेके जाएंगे। तो ये आज हमारा लाइव ट्रेडिंग का फ्यूचर में सबसे पहला दिन है, तो हम 5000 का टारगेट रखते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20, 1 लाख, ऐसा टारगेट हम रखते रहेंगे। तो हमारी भी साइकोलॉजी, हमारा भी माइंडसेट वैसे बढ़ेगा। तो देखिए अभी 3600 है, तो आपके लिए मैं हर रोज़ लाइव ट्रेड लेके आऊँगा और हम लोग छोटे से 100 क्वांटिटी से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अभी 4400 दिख रहा है। अभी हम निकालेंगे 5000, हमें हमारा प्रॉफिट दिख रहा है जैसा हमारा टारगेट था। और मैं अभी निकालता हूँ, ऑर्डर सबमिटेड, और निकालते निकालते हमारा जो प्रॉफिट है वो, एक मिनट, कैश पोजीशन में जाएंगे। आज का हमारा टोटल प्रॉफिट 30000 है, लेकिन इस ट्रेड में हमने 5000 तक प्रॉफिट निकाला है। और ओवरऑल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने ऐसे आपको बोला कि आज के दिन में अभी हमने 5000 के करीब प्रॉफिट लिया है, पूरे दिन में 30000 के ऊपर प्रॉफिट लिया है, 3-4 दिन के ट्रेड में 17000 तक प्रॉफिट लिया है। ये खाली हम 100 क्वांटिटी पे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 क्वांटिटी का बढ़ा के हम लोग 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 3000, 5000 क्वांटिटी लेके जाएंगे। छोटा छोटा प्रॉफिट करके बाद में बड़ा प्रॉफिट दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे क्या आता है, उसमें कैसी साइकोलॉजी डेवलप होती है। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई चार्ट इंडिकेटर देखता नहीं हूँ, पूरा मैं ट्रेड मैनेज करता हूँ। तो ट्रेड मैनेज कैसे करते वो हम सीखेंगे। तो फिर कल हम देखेंगे, कल नया ट्रेड देखेंगे। अभी कल के लिए हम लोग कल देखेंगे कि कौन सा ट्रेड हम लोग लेंगे, कॉल लेंगे, पुट लेंगे। अगर हम कौन सा भी, यहाँ पे कॉल पुट नहीं रहता है, ये ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर में बाय और सेल रहता है। तो फ्यूचर में खेलेंगे, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो बाय और सेल लेंगे। अगर कल हम ऑप्शन करेंगे तो पुट और कॉल लेंगे। लेकिन दोनों में हमारी साइकोलॉजी काम करेगी कि ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर लॉस हुआ तो भी उसको मैनेज करके प्रॉफिट में कैसे लिया जाता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे बढ़ाया। तो ठीक है।